इन लाइंस अपोजिट नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छी दो ना, ये देखो ये वाला है, ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट है ना, प्रिया आपको आता है ये वाला वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। इनको बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण है ना। चलो कोई वाले छोड़ो उसको, विमुख को द एंगल्स अपोजिट टू द कॉमन वर्टेक्स, एंगल्स अपोजिट टू द कॉमन वर्टेक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म, लेकिन उनकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए, आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे ये डिफाइन करने की नीड नहीं है, कोई डाउट है किसी को? और ज्यादातर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट सिक्स नंबर, मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर की, किसकी? परपेंडिकुलर, इसको लंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लंब, है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटे? ये देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री बन रहा है? 90। ये इसके परपेंडिकुलर है कि ये इसके परपेंडिकुलर? बताओ, खड़े हो, कौन किसके है? बैठो बैठो, तुम हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया? द टू लाइन्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे कंटेन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और वन राइट एंगल बिटवीन देम, और या फिर उनके बीच में सिर्फ एक राइट एंगल हमें दिखना चाहिए। आगे समझ में? ए बी और सी डी को आप क्या बोलोगे? ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइन्स, सी डी आर परपेंडिकुलर लाइन्स, कैसी लाइन्स होंगी ये? परपेंडिकुलर का ये साइन होता है ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है भाई? और छोटू कूद कूद के देख रहे हो, है ना, समझा गया ये परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कौन? जिसका बेस स्ट्रांग हो गया कभी नहीं गिरेगा वो, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जी, कौन बताएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई? परपेंडिकुलर भी हो और आधा आधा भी कर दे, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब चाकू मारो और पूरा सीधा ऐसे और हाफ हाफ भी कर दे घेरे को, अरे समझ आ गया? हाँ, परपेंडिकुलर सेम को करना है, चलो वो सेम को कर रहा है, सेम बोल रहे हो, सेम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ सेम बोल रहे, चलो चलो देखो बेटे, अब बेटे क्या होगा? ये देखो, ये हाफ, ये हाफ, और साथ में कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है, ये ए भी दिख रहा है ना सबको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं लंब संबंधी, और क्या बोलते हैं? समद्विभाजक, समद्विभाजक है ना, भाजक कर रहा है, हाफ हाफ कर रहा है साथ में। और ये बताने की नीड है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी? लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सुन लो, इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, उनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, एंड पॉइंट से ए से और बी से क्या होगी? इक्वल, अभी नहीं आ रहा है, ये इक्वल होती है बच्चे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कौन? एंगल बाइसेक्टर कौन बताएगा आप में से? एंगल बाइसेक्टर कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, ये दिख रहा है ना, ये कौन है? एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर, 90 डिग्री एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या 90 कर रहा है भाई? 90 गोचू राम, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 होगा और ये भी क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है। इस लाइन का नाम है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स को क्या कर रही है? हाफ ऑफ कर रही है, अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 हो रहा है और ये भी 30 हो रहा है, और इस एंगल का नाम है, इस लाइन का नाम है एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर में भी खास बात है, बताएं, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे ये पॉइंट है इसकी, ये और ये डिस्टेंस, ये है ना, और ये वाली, अरे भाई ठीक है, ये डिस्टेंस, ये सभी क्या होंगी? इक्वल होंगी, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, अरे भाई ठीक है बच्चों, ये P है, ये R है, ये Q है और ये S है, अरे भाई ठीक है, कोई दिख रहा है किसी को? एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ आर्म्स, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। किसी को डाउट है कोई? हाँ जी बोलो भाई, ठीक है, अरे ये बोलो। तो आठों पॉइंट खत्म हो गए, बात करता हूं मैं ट्रांसवर्सल की, किसकी? ट्रांसवर्सल, कोई बताएगा ट्रांसवर्सल क्या होता है? त्रियक बोलते हैं, तुम बताओ भाई त्रियक, त्रिया को तुम बता सकते हो, बताओ क्या करेगी ये? दो लाइंस को क्या करेगी? पैरेलल लाइंस को कट करेगी, पैरेलल को, कोई जरूरी थोड़ा ना है, कोई भी दो लाइंस को, ये वाली लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल। अरे भाई ठीक है, बैठो, मतलब बेसिक करा रहे हो, त्रिया नहीं बता पाए हैं। ये पी क्यू है, कौन है? पी क्यू, और ये है ए, ये कौन है? बी, और ये सी है और ये डी है। मान लेते हैं ये एंगल 1 है
मान लिया से जो मर्जी एंगल 1, 2, 3 एंगल 4 है ना भाई 5, 6 और यहाँ से स्टार्ट करो 5, 6 और ये कौन है 7 ये कौन है 8 ठीक है बच्चों कोई डाउट है किसी को इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल ए लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइंस ए लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल मुझे डेफिनेशन लिखने की नीड है लोगों ने सुन ली होगी डेफिनेशन लिख लो अपने अरे कोई डाउट है ए लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल अगर किसी को नहीं समझा रहा तो पीछे बैक करके भी देख सकता है ना अरे भी ठीक है तो अब बच्चे हम आगे बढ़े ट्रांसवर्सल समझा गई अब इसमें होता है एक्सटीरियर एंगल कौन से एक्सटीरियर इनको बोलते हैं बाह्य कोण बाह्य मीन्स बाहर वाले बाहर वाले बताओ कौन से है बाहर वाले अमेरिका कनाडा में बता देना बाहर वाले कौन कौन है बताओ 1, 2, 7 and 8 इंटीरियर भी बता दो आप सुनो सुनो इन्हीं को सुनते जाओ 3, 4, 5, 6 अच्छा आप बताओ फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं 2, 6, 3, 7, 1, 8 गलत हो गया 1, 5 and 4, 8 बैठो शाबाश इधर ध्यान दो देखा ऐसे बताते हैं हमारे बच्चे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स एक्सटीरियर इसको पहले दिन कुछ नहीं समझा था इसको पहले दिन इसका मुंह बनता था पता नहीं कैसा टीचर है ये बच्चे ना आजकल मैंने मुझे पता है जो जो क्लास में अच्छा पढ़ाता है ना उसको बच्चे अच्छा बोलते हैं और जो नहीं पढ़ाता उसके बाहर जाके थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं उसके बारे में बेइज्जती मारते हैं उसकी टीचर की भी करते हैं अरे यार क्या पढ़ाता है ये ऐसे कर देते हैं होता है ऐसा हमें पता है सब अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6 है ना प्रिया 3, 4, 5, 6 ठीक है नेक्स्ट है 4 pairs हम भी करते थे आप ये क्या करते होंगे ठीक है हम भी करते थे है ना बचपन में हम भी करते थे ऐसा 4 pairs ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 pairs ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 pairs ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग 2, 6 के करस्पॉन्डिंग होगा 1, 5 के होगा 3, 7 के होगा और 4, 8 के होगा आप इधर दिखाओ जरा बच्चों को बता देते हैं कौन किसके करस्पॉन्डिंग बेटा करस्पॉन्डिंग वाले एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं ये भी ऊपर है और इस लाइन के इस साइड में ये है लेफ्ट में ये 1 के करस्पॉन्डिंग ये है क्योंकि ये भी ऊपर है और दोनों राइट साइड में 3 नीचे है 7 भी नीचे है दोनों एक साइड में है 4 नीचे है 8 भी नीचे है दोनों एक साइड में अभी नहीं आया आ गया आपने तो बताया था चलो ठीक है नेक्स्ट है टू पेयर्स ऑफ आप ही नहीं ऐसा था ऐसा इनका भी था थोड़ा भी क्या नाम इनका रिचा रिचा का भी था पहले 2-3 दिन में ऐसे ही थे इसको मजा नहीं आ रहा था होता ऐसा है ना इंटीरियर एंगल्स 2 pairs ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्योंकि हम फेस से जान जाते हैं किसके मन में क्या चल रहा है बच्चों का तो पता लगा ही देखते हैं कई सालों से बच्चों को देखते हैं हाँ जी क्योंकि हाँ जी चलिए बताइए इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हाँ जी अरे हाँ प्रिया का भी हाथ ऊपर है बताओ प्रिया बताओ सर 3, 5 के 4, 6 के कैसे सर हाँ वेरी गुड बैठो देखो उन्होंने सही बताया इधर दिखाओ उन्होंने कहा ये इसके अंदर अच्छा ऑल्टरनेट ये इधर अच्छा वेरी गुड ठीक है लेकिन कौन से थे इंटीरियर थे क्योंकि अंदर अंदर वाले है ना अब बात करते हैं 2 pairs ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से एक्सटीरियर भी बता दोगे आप लोग प्रिया बता दो बेटे 2, 8 के 7 वेरी गुड बिल्कुल सही है 2, 8 के बोला इन्होंने और 1, 7 के वेरी नाइस ठीक है बच्चों समझा गया किसी को कोई डाउट है अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस पैरेलल लाइंस की मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज ये देखो बेटे ये देखो ये एक पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है दिख रहा है ना और ये जो लाइन है इसका नाम है अरे भी दिख रहा है ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये आपका 4 है ये एंगल 5 है एंगल 6 है ये एंगल 6 है और ये एंगल 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है इंसानों के जुगाली करते हैं लोग है ना मुंह चलाते रहते हैं ऐसे देखो बेटे ये P है और ये क्या है Q है है ना और ये AB है और ये क्या है CD दिख रहा है ना और अभी दिख रहा है सबको yes, बोलना नहीं है बस सुनते जाओ तो लोगों को तो दिख ही रहा है मुझे पता है ना ये AB है और ये क्या है CD है PQ कौन है ट्रांसवर्सल कौन सा PQ
कौन है भाई? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब त्रिक, त्रिक हमने दो लाइनों को जो काट के चले गया है ना, दिख रहा है? चलो वेरी गुड। अब देखो एंगल वन जो होगा वो एंगल फाइव के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल कर रहे हैं। कौन सा एंगल इक्वल कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग। ये इसके करस्पॉन्डिंग था इसलिए इक्वल हो गया। एंगल टू एंगल सिक्स के करस्पॉन्डिंग है इसलिए इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये भी इस लाइन के लेफ्ट साइड में है और ये भी लेफ्ट साइड में है और ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है। आगे समझ में भाई? तो ये एंगल टू एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल थ्री जो होगा वो एंगल सेवन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी लाइन के डाउनवर्ड है और ये भी लाइन के डाउनवर्ड है और ये भी लाइन के लेफ्ट साइड में और ये भी लाइन के लेफ्ट साइड में। अरे भी ठीक है, दिख रहा है सबको? ये कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल फोर जो होगा वो एंगल एट के इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये भी इस लाइन के राइट साइड में है और ये भी एंगल राइट साइड में है और ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, इसलिए एंगल फोर एंगल एट के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। पहले मैंने बात की थी यहाँ, या बोलना नहीं, यहाँ जो बात की थी ये पैरेलल लाइंस नहीं थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैंने सारे एंगल्स लिखे थे। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? बच्चे बोलो भाई, डाउट वाला है कोई? बोल सकता है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल कर दिया। दूसरा है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट। कैसे? पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे कैसे हो, एक्सटीरियर हो, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो ऑल्टरनेट में कैसे हो, इंटीरियर हो, या ऑल्टरनेट में कैसे हो, एक्सटीरियर हो, वो दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल थ्री जो होगा वो एंगल फाइव के इक्वल होगा। देख सकते हो ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी ऑल्टरनेट का मतलब एक इस साइड में है तो दूसरा भी साइड। ऑल्टरनेट पता है ना भाई हमें? ये साइड, ये देखो ऑल्टरनेट इन्हीं को बोलते हैं, कहते हैं ऑल्टरनेट बैठ जाओ, एक को छोड़ के एक बैठ जाओ ऑल्टरनेट। ये थ्री और ये फाइव है। फिर होगा एंगल फोर किसके इक्वल होगा? एंगल सिक्स के। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल टू किसके इक्वल होगा? एंगल एट के। गोचू राम पिट जाओगे तुम, ये ऑल्टरनेट इसके है भाई, ये तो वर्टिकली अपोजिट है। गोचू पिट जाओगे, देखो ये क्या बोल रहे हैं, पिटे इसको, वर्टिकली अपोजिट को बताया जा रहा है ऑल्टरनेट। एंगल टू और एंगल एट क्या होंगे, कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे, एक्सटीरियर। थोड़ा ध्यान से बोलो। और एंगल वन जो होगा वो एंगल सेवन के होगा, ये वाला और ये वाला। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल? चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो, लेकिन दोनों किस साइड में होने चाहिए? सेम साइड में होने चाहिए। On the same side of the transversal is equal to 180 degree. What? 180 degree. देखो बेटे, बड़ा important point है ये वाला। Angle थ्री इधर ध्यान दीजिए, ये कौन सा angle है? Interior है कि exterior है? Interior है। और ये वाला भी interior है, लेकिन ये दोनों भी transversal के same side में है। मेरा मतलब समझो, ये ट्रांसवर्सल तो ये वाली लाइन थी PQ के दोनों ही सेम साइड में है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा। सिर्फ ये नहीं आएगा, उसने कहा जितने भी, हाँ बिल्कुल सही बात, जितने भी इंटीरियर है और सेम साइड में है तो 4 और 5 भी जुड़ के क्या आ जाएगा? 180 आएगा। तो उसने सिर्फ इंटीरियर की बात तो की नहीं, उसने साथ में एक्सटीरियर भी लिखा है, उसने साथ में एक्सटीरियर भी लिखा है। सीधे रखो ये एक्सटीरियर। एंगल 3 एंड 4 इज आल्सो इक्वल टू 180। बिल्कुल, और आप इधर बोल सकते हो एंगल 3 बेटे, नहीं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, पहले एक्सटीरियर को कर दो ना। एंगल 2 प्लस एंगल 7, ये दोनों सेम साइड में है और इन दोनों को भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट कौन सा है? बिल्कुल सही बोल रही है, 1 और 8। शाबाश बेटे, 1 और एंगल 8 दोनों जुड़ेंगे तो वो भी क्या जाएगा? 180, क्योंकि ये दोनों भी इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये वाले इंटीरियर थे और सेम साइड में थे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आ रहा समझ में? एक और बात, अगर ये वाली कोई कंडीशन इनमें से, इधर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी सही हो जाती है, कोई भी जो मैंने पॉइंट्स लिखा है तीनों, तो इसका मतलब लाइंस कैसी है? पैरेलल है। कोई डाउट है? मतलब नहीं समझाया?
तो लाइंस कैसी होंगी? कोई डाउट है किसी को? देखो नेक्स्ट पॉइंट है बाइसेक्टर्स। यहां तक अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, ट्रांसवर्सल में ट्रांसवर्सल खत्म हो रहा है अभी, कोई डाउट है? तीन पॉइंट बताए ट्रांसवर्सल के अभी मैंने, कितने बताए? थ्री। फोर्थ पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है? अभी बताया था मैंने, बाइसेक्टर्स बताए थे अभी मैंने, जो एंगल्स को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इंटीरियर एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अभी मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये एक लाइन है पैरेलल है, और ये एक पैरेलल लाइन है, और इन दोनों के बीच में कौन जा रही है? ट्रांसवर्सल जा रही है। इन दोनों का बाइसेक्टर ले, इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा, ऐसे हाफ हाफ करता है ना बाइसेक्टर, और इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा, ये भी क्या करेगा? हाफ हाफ करेगा। तो ये दोनों कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे? ये बोल सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर ये एंगल 120 डिग्री है ना, तो 60-60 करके ये वाली लाइन जाएगी, और ये वाला एंगल है कितने डिग्री? 80 डिग्री, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है, इसलिए मैंने इसको 80 लिखा। और ये 40-40 वाली लाइन जो जाएगी, वो दोनों लाइन जब मीट करेंगी तो कितने डिग्री पे मीट करेंगी? 90 डिग्री पे मीट करेंगी। अरे भाई ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोजेज ए रेक्टेंगल। क्या एनक्लोज करते हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट है ना। एनक्लोज क्या करते हैं? रेक्टेंगल, क्योंकि 1990 बना रहा है, रेक्टेंगल ही बनाएंगे। अरे बनाएंगे, देखो अभी ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है और एक ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये पैरेलल लाइंस है, और ये कौन है? ट्रांसवर्सल। इनके बाइसेक्टर लूं मैं? देखना इसका बाइसेक्टर, देखना किधर जा रहा है इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हाफ ऑफ करने वाली लाइन, ये इधर जा रही है, इसकी बाइसेक्टर इधर जाएगी। अरे इसकी इधर ही जाएगी यार, इसकी इधर जाएगी भी। तो मैंने बताया बाइसेक्टर 1990 पे मीट करती है, तो फिर क्या बन जाएगी? जब 1990 में सब मीट करने वाले हैं, तो कौन बनेगा? रेक्टेंगल ही बनेगा यार, सब 1990 में मीट करेंगे, तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो ये इसके अंदर जो आएगा वो आएगा रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? तो ABCD जो बनेगा, ये वाला ABCD, वो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। किसी को कोई डाउट है भाई? ठीक है, दिख रहा है सबको भाई? आफ्ताब, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट सिक्स नंबर देखते जाओ, इसको खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। इफ ट्रांसवर्सल कौन? ट्रांसवर्सल। इफ ट्रांसवर्सल इज परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्सल क्या हो? परपेंडिकुलर। अब भाई ट्रांसवर्सल पहले से ही परपेंडिकुलर है, देन इट फॉर्म ए स्क्वायर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, देन इट फॉर्म ए स्क्वायर। तो क्या फॉर्म करेगी? स्क्वायर फॉर्म करेगी। देखो जरा ध्यान से, स्क्वायर कैसे फॉर्म करेगी मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये आपके एक पैरेलल लाइंस है, और ये वाली जो ट्रांसवर्सल है, इसने पहले 90 डिग्री बना दिया, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। कौन सी बात है भाई? खुशी की। तो इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर भी ऐसे जाएगा। अरे बच्चों, और इसका भी ऐसे जाएगा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। अब जो बना ये कौन है? बिल्कुल सही बोल, 45 छोड़ो, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल भी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये किस्सा ज्यादा था किसमें होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में तो सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अभी आएगा, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ये वाली, और इतना क्वेश्चन आता है इसमें से, हद है इस बात की। ये देखो, ये इधर और ये इधर, कहानी अभी भी लोगों को समझाई होगी। ये वाला एंगल अगर एक्स है, और ये वाला अगर एंगल वाई है, तो पूछ लेता है ये एंगल बताओ, ये होता है एक्स प्लस वाई। उसके बाद प्रूफ भी करा दूंगा अभी। क्या कराऊंगा अभी? प्रूफ कराऊंगा, करा दे। मान लो कि बीचों बीच से ऐसे कोई लाइन गई, ऐसे, तो ये वाली इसके इक्वल होगी ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाली इसके इक्वल होगी ये इसके ऑल्टरनेट, तो एक्स प्लस वाई तो हो गया। क्या प्रूफ था इसमें? प्रूफ इतना इजी सा था, थोड़ा अभी नहीं समझा। दूसरा वाला बेहतर देखो, कोई बात नहीं। एक और देखो, एट नंबर प्रॉपर्टी है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। मैं कहना चाहता हूं इस पॉइंट से ये एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है मान लो, और एक इधर से ऐसे। अरे भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये वाला अगर एंगल एक्स है, और ये वाला एंगल कितना है? वाई है। तो यहां पर ये दोनों मीट कर रही थी, वो वाला एंगल जो होगा वो होगा एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों का सम होगा। यहां भी ऐसा ही मैंने किया था, यहां भी मैंने एक्स और वाई को क्या किया था? जोड़ा था। पॉइंट क्लियर है? इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, अभी आएगा वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है? अच्छा बेटे, बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने एंगल्स को मेजरमेंट करना शुरू किया। क्या शुरू किया? मेजरमेंट करना शुरू किया। तो
तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, और ये जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और करूंगा, जब करूंगा दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री में, और एस और उसमें सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं। देयर आर थ्री सिस्टम यूज टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग कुछ और मानते हैं, फ्रांस वाले कुछ और मानते होंगे, यूएसए वाले कुछ और मानते हैं, यूके वाले कुछ और मानते हैं। अरे संदेह भी सबको क्या? ठीक है, देखो बेटे, सबसे पहला जो सिस्टम आया था उसका नाम था, हाँ जी, सेक्साजेसिमल सिस्टम। कौन सा? सेक्साजेसिमल सिस्टम सबसे पहला सिस्टम आया था, और इसका दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम। इसमें ये हम लोग यूज करते हैं, ये वाला मेजरमेंट हम लोग यूज करते हैं इंडिया वाले, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजरमेंट। अरे डिग्री में तो मेजर करते हो आप लोग, कोई और मेजर करते हो डिग्री में? अब इसको मैं बताता हूँ होता क्या है। इसको जिसने भी बनाया, उसने विद्वान ने क्या किया, उसने देखा इधर ध्यान दीजिए, सभी इधर ध्यान देंगे, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, सॉरी चलो ठीक है, डायग्राम सही बनना चाहिए, कोई थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको, है ना। उस बंदे ने क्या किया, 90 डिग्री तो कोई भी बना लेगा, क्या 90 डिग्री नहीं बनाना आता किसी को? नहीं बनाना आता तो मैं एक तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना, कंपास लो है ना, पता है ना, और उस कंपास को इस तरीके से रखो, यहाँ एक चाप, मतलब यहाँ कहीं भी आधे से ज्यादा लेके ये, और फिर यहाँ आधे से ज्यादा लेके फिर इधर, और सबको दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? तो ये तो कोई बना लेगा, तो उस बंदे ने बना लिया। आ उसने कहा यार क्या करूं, एंगल 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 लेने हैं। कहता है इस 90 डिग्री को मैं 90 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट्स में? 90। तब उस बंदे ने ये 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 पहले तो ऐसे किया, उसने पहले तो 10 पार्ट लिए होंगे, कितने लिए होंगे? 10। फिर उसने उसके अंदर और किए ऐसे ऐसे। अरे भाई नहीं समझा रहा क्या? आ रहा होगा, कितने पार्ट कर दिए? 90। अरे डी नहीं दिखी, डी दिख रही है ना, इस वाले को उसने बोल दिया 0 डिग्री, इस वाले को बोल दिया 1 डिग्री, फिर इस वाले को क्या बोल दिया 2 डिग्री, फिर इसको बोल दिया 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। अरे भाई ऐसे बढ़ता चला गया, ये वाला कितने डिग्री है बताओ? 90 डिग्री। अरे भाई सही है, ये कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम है, अंग्रेजों ने बनाया है, सबसे कह दूं ठीक है, वही काम कर रहा है। इंडियंस यूज करते हैं। अब देखो बेटे, इंग्लिश सिस्टम उन्होंने डिग्री में बनाया, लेकिन एक इंडियन ने उसको परेशान किया, कहता है इसके बीच में तो कोई फंसा हुआ है, मेरा यहाँ पे आगे फंस जाएगा तो कौन सा एंगल बताएगा? अभी जो एटम के अंदर एंगल देखेगा या किसी को, उसको तो ये तो क्या दिखेगा, 1 डिग्री के अंदर भी तो दिखेगा ना कुछ। कहता यहाँ जो जगह खाली है उसका भी तो बताना कुछ, अरे जगह खाली है कि नहीं 1 डिग्री के बीच में? 1 डिग्री को उसने जूम किया, उसने कहा बता इसके बीच में क्या है, मान ले मेरा यहाँ की फंस गया आगे, फिर क्या बताएगा तू? मतलब नहीं समझा आपको? अरे मतलब डिग्री पूरा यहाँ पे आ गया, ये 1 डिग्री है ना, और ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। यहाँ फंस गया तो क्या करोगे? तब उसने कहा एक काम कर, ये पूरा उसने ध्यान से सुनना, ये पूरा एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90। शाबाश, कितने डिग्री बेटे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या मिलके बना? राइट एंगल बना। डिग्री को ऐसे लिख देते हैं। अरे भाई ठीक है, अब उस बंदे ने क्या किया, डिग्री के अंदर 60 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए? 60। इसलिए किया है क्योंकि 60 मिनट लोगों को जल्दी याद रहते हैं, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 100 तो नहीं होते, 60 होते हैं, क्यों भी प्रिया जी 60 होते हैं। हाँ, तो यहां उसने क्या किया, 60 पार्ट सॉल्व कर दिए, यानी कि 60 मिनट से कौन बना बेटे? अब 1 डिग्री बना, 1 मिनट बता रहा है वो, 1 डिग्री बेटे उसने मिनट में डिवाइड किया ना, उसने आवर नहीं किया यार, यहाँ डिग्री है ना, तो मतलब इस डिग्री के अंदर कितने पार्ट्स कर दिए उसने? 60। लेकिन अभी भी नहीं माना कोई, कहता अगर यहाँ फंस गया तो क्या करेगा? कहता कोई बात नहीं, और कर देता हूँ भाई। समझा रहा है, मिनट को कैसे डिनोट करते हैं? मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, कितने मिनट है इसके अंदर? 60 मिनट है, ठीक है भाई, आ रहा समझ? अब उसने क्या किया, इसके अंदर और पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स किए इसने इसके अंदर, इस मिनट के अंदर? जैसे ये 1 मिनट है, और ये कितना है इसके अंदर? 1 मिनट है ना, और ये 0 मिनट है यहाँ पे। अरे इसके अंदर उसने और 60 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए? अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने? 60 पार्ट्स में, और इनको सेकंड में डिनोट कर दिया। क्या? डबल डैश से। अरे भाई ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है, ये याद करना अच्छा है ये भाई। और भाई ठीक है, गोचू समझा रहा है? अब देखो, 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल, और 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 60 मिनट से क्या बना? 1 आवर। फिर बताया जा रहा है यार, 60 सेकंड से क्या बना? सॉरी मैंने गलत बोला, 60 सेकंड से। हाँ हाँ बोलो बेटे। 1 डिग्री बना। गोता है यार, ये तो बहुत बड़ा गधा है। 1 मिनट बना, बहुत बड़े गधे हो तुम।
पता नहीं कौन सी टॉफियां खाते हो, तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं खुली क्या? वो खाया करो कौन सी मिंटोस क्या, दिमाग की बत्ती खोलो अपनी, टॉफियां खाता रहता है। देखो भाई चलो भैया बस ठीक है, आप देखो ये लो पैसों, ये देखो ये कैसे अच्छा बोलता, आपके पैसों की तो थी। हाँ 60 मिनट और ये क्या होगा 60 सेकंड, ठीक है बस भाई ठीक है। इधर दो भाई एक मिनट, यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ गया ये भाई, इधर ध्यान दो ठीक है, ये समझ आ गया। ज्यादा प्यार से रहो ना उतने ज्यादा सिर पे भी चढ़ जाते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं सेंटेसिमल सिस्टम, कौन सा सेंटेसिमल सिस्टम, इसका दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, कौन सा भाई फ्रांस में बना गया, फ्रांस में बना होगा और क्या, ठीक है ये कौन सा सिस्टम है भाई, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच वालों ने ऐसा काम किया, उनको डिग्री उग्री पसंद नहीं आया, उनका अपना चलेगा कोई दूसरा सिस्टम, ठीक है उन्होंने अपना सिस्टम चलाया, ठीक है बताएं क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने एक राइट एंगल को, राइट एंगल बनाना तो इजी है भाई सबके लिए, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, कितने पार्ट्स में किया 100 में किया, कितने पार्ट्स में किया 100, उनकी मर्जी है भाई, वो लोग ऐसे मानते हैं, वहां चले जाएगा फ्रांस में तो ये करना पड़ेगा, वहां ना ये यूज करना अपना वाला, और दूसरा उनका डी होता है वहां पे, आगे समझ में, उनका डी यूज करना वहां पे, ठीक है अपना अपना वो कट जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है देखो भाई अब क्या हो गया इसमें 100 पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए 100 पार्ट्स, ठीक है बच्चों एक डिग्री मतलब ये 90 पूरा है ना, अच्छा इन्होंने भी डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्रेड में, क्या बोल दिया उसको ग्रेड, अरे यार ग्रेड बोलने लग गए, डिग्री बोल देंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे लोग, इन्होंने क्या बोला ग्रेड बोला, क्या बोला ग्रेड, यानी कि पूरा कितना था, कितने ग्रेड है ये बताओ, पूरा कितने ग्रेड है, गलत हो गया 100 ग्रेड है, यानी कि वन राइट एंगल जो है वो किसके इक्वल है 100 ग्रेड के इक्वल है, किसके इक्वल है 100 ग्रेड के इक्वल है, बच्चों समझा रहा है भाई, प्रिया समझा रहा है बेटे, 100 ग्रेड आप लोगों को ग्रेड मिलते हैं, हाँ तो लोग ग्रेड ग्रेड वहां से लिया है आप लोगों ने, ग्रेड ले लिया मैंने, वो वहीं से आया फ्रेंड से, ठीक है ग्रेड 100 ग्रेड, और ये जो 100 इसको डिनोट कैसे करते हैं, ग्रेड को कैसे डिनोट करते हैं बता सकते हैं हमें से, 100 ग्रेड को ऐसे, जी हाँ जी वेरी गुड, और इक्वल टू क्या हो गया वन राइट एंगल, किसके इक्वल हो गया बेटे वन राइट एंगल, वन राइट एंगल के, अब बेटे क्या हुआ एक ग्रेड के अंदर क्या किया उसने, अब ये ग्रेड था, ये दो ग्रेड था, तीन ग्रेड था, ये वाला कितना ग्रेड है 120, क्या करता है अभी, एक ग्रेड है, कितने ग्रेड है एक दो, ये 100 ग्रेड है, ठीक है अब ग्रेड के अंदर भी पार्ट्स किए, ग्रेड के अंदर उसने जब 100 लिया जा रहा तो 100 पार्ट्स ही करेगा, 60 तो करेगा नहीं, अब उसने ग्रेड के अंदर कितने पार्ट्स कर दिए, ये मतलब एक ग्रेड है बेटे, और ये कितने ग्रेड है 0 ग्रेड है, और इसके अंदर हाँ भाई क्या हो गया, ये उसके अंदर उसने कितने पार्ट्स कर दिए 100, और ये सभी को उसने क्या बोल दिया बेटे मिनट्स बोल दिया, क्या बोल दिया मिनट्स, तो कितने मिनट्स हो गए इसके अंदर 100 मिनट्स हो गए ना 100 मिनट्स, बेटे काम आएगा ये सब है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते नहीं हो अच्छे से, यही सब नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री क्या समझाएगा, ठीक है पढ़ लो इसे काम आएगा, तुमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति, चलो ठीक है आप देखो बेटे अभी उसको हिंदी में बताना पड़ेगा क्या करें, उसको हिंदी आती है ना, जैसे वो कहेगा क्या टिग्नो विग्नो है ना, इधर टिग्नो कहाँ की लैंग्वेज है, टिग्नो का मतलब क्या होता है आप बता दो, अरे बने हाँ टिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मीट्री का मतलब मेजरमेंट, वहां की लैंग्वेज है ग्रीक वालों ने ऐसे बोला, वो ट्रायंगल को ट्रिग्नो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिग्नो, वहां जाके तुम क्या बोलना ट्रिग्नो बोलते हैं, ट्रिग्नो आता है मुझे अच्छे से, क्या बोलना ट्रिग्नो आता है, ठीक है आता है अच्छे से नहीं समझाएगा उसको बोचू, ये नहीं बोलना है आई नो ट्रिग्नो वेरी वेल, चलो देखो अधिक मिनट 1 2 3 और यहाँ 100 ग्रेड हो गया ना भाई, अब आगे बात करते हैं, इसलिए हम लोग ग्रेड्स किस में लेते हैं 100 वगैरह में है ना, अब उसके बाद में उसने ग्रेड्स के अंदर फिर उसने पार्ट्स कर दिए, कितने पार्ट्स किए 100, देखो बेटे अब ग्रेड ले लेता हूँ मैं, अब ये ग्रेड के अंदर ही मैंने मिनट के पार्ट्स कर दिया, मिनट के अंदर पार्ट्स कर दिए, हाँ मिनट के अंदर फिर मैंने पार्ट्स कर दिया और सेकंड बना दिए, कितने पार्ट्स किए उसने सेकंड के, कितने 100 पार्ट्स कर दिए, ठीक है तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो बड़ा सिंपल है, अगर आपसे पूछेगा कि 100 ग्रेड किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड किसके इक्वल होता है, तो वन राइट एंगल के किसके इक्वल होता है, वन राइट एंगल के इक्वल होता है, और अगर आपसे कोई पूछेगा 100 मिनट किसके इक्वल होता है, हाँ जी बच्चे वेरी नाइस, वन ग्रेड के इक्वल होता है, क्या सिंबल बनाने की नीड है मुझे, बना सकते हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वन ग्रेड ठीक है समझा रहा है, और 100 मिनट के बाद 100 सेकंड किसके इक्वल होगा,
वन मिनट के, और वन मिनट का सिंबल तो आता ही होगा कि नहीं, वन मिनट का सिंबल ऐसे एक डैश लगा दो बस, कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, अब बोलो किसी को। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है सर्कुलर मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट? सर्कुलर। हाँ जी शाबाश, कौन सा मेजरमेंट है? रेडियन मेजर। देखो भाई सर्कुलर मेजरमेंट कौन सा है? और जिसने पाई की खोज की थी, आपको बताया जब पाई की खोज की थी ना, अरे रामानुजन तो बाद में आया, पहले देखा ना कितने विद्वान थे पाई के लिए, मैंने दिखाया नहीं सारे कितने विद्वान सब पाई के पीछे पड़ गए, अरे पाई के पीछे पड़ गए सब। पाई है क्या? मैंने बताया अभी था कैसे निकाला पाई, बताया था ना, बताया तो है 3.14 कैसे है, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ठीक है अब बात करते हैं सर्कुलर मेजरमेंट की। किसी को नहीं आता होगा पाई की वैल्यू कैसे निकाली गई, पूछ लेना किसी से, किसी ने सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। हाँ वेरी गुड। देखो ठीक है बोलना शुरू कर दिया, अब ये थोड़ी चाबी भर गई है इसकी। ठीक है अब इधर ध्यान दो, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर। ठीक है आप देखो बेटे इधर ध्यान से, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू। देखो बेटे होता क्या है, अब जितने भी विद्वान आए उन्होंने कहा नहीं राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल नहीं लेंगे, अब हम लोग अपना बनाएंगे दूसरा। उन्होंने कहा ये ज्यादा सही है, सेंटर तो पता ही है, उन्होंने कहा हाँ रेडियस तो ले ही लेंगे यार, रेडियस के पीछे पहले पड़ गए, ये रेडियस है, कौन है रेडियस, और रेडियस के बराबर ही एक आर्क ले लो, रेडियस के बराबर ही आर्क, तो ये वाला कितने डिग्री का होगा, डिग्री नहीं होता है यहाँ, कौन सा मेजरमेंट है रेडियन, तो ये 180 के इक्वल होगा। अभी नहीं आया समझ में? आ गया, आगे कि नहीं आया? अगर ये आर्क इस रेडियस के इक्वल है तो ये वाला 1 रेडियन के इक्वल होगा, ये वाला एंगल कितने रेडियन के इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड, लिख देता हूं मैं, द नंबर ऑफ रेडियन, टफ टॉपिक है ये, 11th-12th वालों को भी नहीं आता ये, द नंबर ऑफ रेडियंस आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है द नंबर ऑफ रेडियंस, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, इन एन एंगल सबटेंडेड बाय, कौन बनाता है सबटेंडेड का मतलब बनाना, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कौन बनाती है बच्चे, बोल नहीं रहे हो, आर्क ऑफ ए सर्कल कौन बनाती है, सर्कल की आर्क कहां पे, सेंटर पे, कहां बनाती है वो, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू आर्क, वेरी गुड है ना। देखो बेटे इधर ध्यान दो, अगर थीटा पे पूछेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, क्या पूछूंगा बोलूंगा, लेंथ ऑफ आर्क और अपॉन में डिवाइड किससे करूंगा, रेडियस से। शाबाश बेटे, किससे डिवाइड करूंगा, रेडियस से। और अगर लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से डिनोट कर दूं, किससे डिनोट कर दूं, एल से, और इसको आर से, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर आ जाएगा ना। और अगर कोई आपसे पूछेगा पाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू किसमें, रेडियन में, वो कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री, मतलब कि अगर इसको मैंने रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो कितने डिग्री आएगा, 180 भाई, 180 तो आएगा, डिग्री पाई को किसमें कन्वर्ट करना है मैंने।